अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूएस। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व अभिनंदन। माय डियर, जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव प्रैक्टिस में पहले एक बार वॉइस कंफर्म करें। आर यू गेटिंग माय वॉइस? एक बार बताएंगे, वॉइस कंफर्म है तो सीसी लिखेंगे, क्रिस्टल क्लियर थम्स अप करेंगे। तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग आज करने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव टॉपिक का ए टू जेड कुछ भी बचने वाला नहीं है, है ना? वॉइस क्लियर है जी? बताएंगे सभी साथी? तो आप खुद इवास ऐप डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इवास शेयर करें। किसी भी जानकारी के लिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, टेस्ट सीरीज से संबंधित या कोई भी हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, सबके लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप या बात के माध्यम से कॉल करके, कांटेक्ट करके, फोन करके जानकारी ले सकते हैं। टाइमिंग ध्यान रखें, सुबह 8 बजे से रात्रि में 8 बजे तक। तो फिर एक बार सभी प्यारे साथी बता दें, आर यू गेटिंग माई वॉइस? इज इट क्लियर? एम आई ऑडियबल? हाँ जी, वॉइस चेक हो चुकी है, एकदम एकदम सब कुछ सही है। और आइए बिना किसी देरी की और बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट? क्योंकि लंबा सफर है, 100 क्वेश्चंस हैं। लेट्स कमेंस। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। तेजी से रिप्लाई करते चले नंबर लिख करके। नंबर वन में आप जवाब दीजिए कि यहाँ पर गलती क्या है, इस सेंटेंस रॉन्ग है, आखिर क्यों, क्या गड़बड़ी है? कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, यानी कि ग्रेटर के साथ में क्या लगा है, देन लगा है, ठीक है। एनी लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर हम एनी के बाद क्या लगा देंगे माय डियर? एनी के साथ हम अदर का यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में अदर लगाते हैं एनी के बाद, तभी आपका एक्सक्लूजन होगा, यानी कि कालिदास अन्य नाटककारों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, महान हैं। ऑप्शन नंबर टू, इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि एनी के साथ क्या लगेगा, अदर लगेगा। ये रूल भी आपने एकदम सही कर दिया। सभी सेंटेंसेस को आपको राइट करना है, क्योंकि इस बेस पर भी क्वेश्चन आपके सामने आता है और पूछता है कि विच सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, तो वहां पर आपको रिप्लाई करना होता है। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वर्मा इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलेज स्टाफ। पूरी ग्रामर आपकी रिवाइज होने वाली है, एडजेक्टिव टॉपिक। प्यारे साथियों, मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के एक पार्ट में मोस्ट लगा हुआ है और दूसरे पार्ट में ईएसटी लगा हुआ है, दोनों सुपरलेटिव हैं, तो निश्चित तौर पर जो मोस्ट वाला पार्ट है वो एंड के बाद जाएगा। यानी इसे उठा करके आप कहाँ ले जाएंगे, आप लिखेंगे मिस्टर वर्मा इज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस मेंबर ऑफ द स्टाफ, और इस तरीके से आपका ये राइट हो जाएगा। मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर ही रहेगा, राइट? मेंबर्स नहीं होगा, जितने लोग भी मेंबर्स लिख रहे हैं वो गलत बात है। द होल, रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके, द होल इंडिया मॉन्ड द डेथ ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी। प्यार से बताइएगा, होल के बाद यदि प्रॉपर नाउन आता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, होल ऑफ। यानी कि आप यहां पर होल के बाद क्या यूज करेंगे जी, होल के साथ ऑफ लगाएंगे। सभी प्यारे साथी फटाफट जवाब करें, बिल्कुल रुकना मना है। टेलीविजन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल देन यूजफुल। आप सभी इतना तो अच्छे से जानते हो, क्या आपको अच्छे से पता है कि ये लिखा हुआ है देन, है ना? तो देन मतलब इसके पहले सीडी आएगा, तो ये मच नहीं होगा, हम लिखेंगे क्या, मोर हार्मफुल, यानी कि तुलना करने के भाव में मच नहीं, मोर होगा। No less than 5 students were drowned. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए तेजी से। प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, PCN, PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। 6 नंबर रूल आपको रिमाइंड कराते हैं, लेस के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, याद करिएगा, और याद आए तो आप थम्स अप करिएगा,
और फीवर के साथ में प्लुरल काउंटेबल नाउन यानी कि पीसीएन आता है। तो लेस के प्लेस में माय डियर क्या होगा, फीवर का यूज करेंगे क्योंकि आपके सामने स्टूडेंट्स प्लुरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ है। इज इट क्लियर? सभी प्यारे साथी बताएं, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? आप लोग जवाब तो दे रहे हो लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो, दैट्स नॉट गुड मैनर। नेक्स्ट, गलती खोजिए, फाइंड आउट एरर पार्ट, और ये बहुत अच्छा मेथड है। मिस्टर अमरनाथ इज द मोस्ट नोबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, गलती बताइए क्या है? माय डियर, डबलिंग नॉट अलाउड। प्यारे साथियों, आपको पता है ना कि जो नोबलेस्ट है ना, क्या जी, ये जो नोबलेस्ट है ना, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब ये पहले से सुपरलेटिव है तो डबलिंग नॉट अलाउड, हम नोबलेस्ट के पहले मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया? माय डियर, यहां पर मोस्ट को ऐसे आपको लिखना क्या चाहिए, आपको लिखना चाहिए प्यारे साथियों, आपको लिखना चाहिए 7 नंबर, फिर आपको लिखना चाहिए रिमूव मोस्ट। और जिन लोगों ने इस तरीके से जवाब दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। समझ में आया? बोलो ना, यस। देयर आर नॉट मच बुक्स इन द लाइब्रेरी, याद करिए मच और मोर का यूज, यानी कि मच अनकाउंटेबल के साथ आता है और बुक्स हमारा प्लुरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे, मैनी प्लस प्लुरल नाउन, मैनी बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, बड़े प्यार से देखना, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन, तो देन को अंडरलाइन कर लो, प्रेफरेबल के बाद में टू लगाते हैं, और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। देखो जी, मैं आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना बताना काफी है। जो भी हमारे अगर फ्रेशर साथी हैं वो भी ध्यान दें, और जो अनुभवी लोग हैं वो तो जानते ही हैं, पेपर दिए हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए कहता हूँ PYQ जितना देखोगे उतने ही अच्छे हो जाओगे। यस, द ताजमहल इज वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर, आप सभी को याद होना चाहिए। बोले तो क्या, कि ये अपने आप में एक स्पेशल रूल है, वर्थ सीइंग का प्रयोग, आँख कान नाक गला सब बिल्कुल खोल कर सुनिए, वर्थ सींग का प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है, यानी कि मॉन्यूमेंट के बाद में आएगा वर्थ सींग। ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सींग, देखने लायक। बात समझ में आई? लेस बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, यहां पर आपको बस पकड़ना है कि सेंटेंस गलत है कि सही है, गलत है तो कहां गलत है। प्यारे साथियों, लेस के साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, और ये नाउन कैसा है, PCN है, प्लुरल काउंटेबल है, तो ऐसी स्थिति में लेस के प्लेस में फीवर का यूज करेंगे, फीवर बुक्स लिखेंगे। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। एक ने तो फीवर लिख दिया, फीवर मतलब बुखार वाला, एक ने नहीं, दो लोगों ने, क्या भाई रब ने बना दी जोड़ी, दो लोगों ने, है ना। चलो खैर, मान लेते हैं गलती से हो गई मिस्टेक। शी रोट अ बेस्ट बुक, एकदम गलत है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, या तो अ गुड बुक लिखो या द बेस्ट बुक लिखो। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि फर्स्ट के प्लेस में क्या आना चाहिए। इंदिरा गांधी फर्स्ट नहीं, फॉरमोस्ट होगा, फॉरमोस्ट होगा, महत्वपूर्ण नेता थी, पॉलिटिशियन थी, ना कि प्रथम। फटाफट आंसर करो, नेपोलियन वॉज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ग्रेटर देन, देन के बाद में अगर एनी आता है तो हम एनी के साथ अदर लगाते हैं। एज अ स्लीपिंग पार्टनर ही हैज वेस्टेड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर कोई पार्टनर स्लीपिंग है यानी कि इनएक्टिव है, तो वो कितना मनी खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव में, यानी कि ए को रिमूव करो, लिटिल अमाउंट होगा ना कि अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर,
ही हैड ओनली द फ्यू रुपीज लेफ्ट। यहाँ पर द फ्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि द फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो ए फ्यू लिखेंगे। अमृतसर इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन अंबाला। जब दूरी का बोध कराना हो तो फर्दर नहीं फार्दर लगाते हैं, एफ ए आर टी एच ई आर। याद करने का तरीका ये है कि एफ ए आर फार मीन्स दूर होता है, इसको आप याद रखेंगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट। आपको गुरुजी ने पढ़ाया था कि परफेक्ट के पहले ना तो वेरी आता है ना कोई डिग्री बनती है, तो माय डियर द मोस्ट को रिमूव करेंगे, दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट किसने लिखा 18 अ परफेक्ट, जो मोस्ट को रिमूव करना, वेरी गुड। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। प्यार से पकड़िए, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज, अब देखो यहां पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे, दैट ऑफ का मतलब है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। असमान तुलना के दोष को दूर करने के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही इज ओनली अ पियोन एंड गेट्स अ लेस सैलरी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो। माय डियर कम वेतन के लिए लेस सैलरी लिखना एकदम गलत है, वो केवल एक चपरासी है, लेकिन याद रखना ठीक है। यहां पर आपको लेस सैलरी नहीं लिखना है, स्मॉल सैलरी फ्रेज होता है, नोट करिए कॉपी में तुरंत। अरे वाह, कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, कितने समझदार हैं ये लोग, भोले वाले मासूम हैं लेकिन कितने समझदार हैं, देख रहे हो। माधुरी गॉट सेंट परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश। बस समय का इंतजार करिए, इस मेहनत का फल मिलेगा। माय डियर सेंट परसेंट एकदम गलत होता है, गुरुजी सही क्या होता है बच्चा, नारायण दास सेंट परसेंट एक स्लैंग है, सही होता है 100%। तो सेंट के प्लेस में अगर आप 100 लिख दोगे तो काम बन जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। No other man of the town is more wiser than Mr. Sethi. यहाँ पर wiser CD के पहले more लगाएंगे तो doubling हो जाएगी। Remove more before wiser. 22 तक आपका clear? Speed बनाओ भाई, speed, क्योंकि question खूब है और एक घंटे में हम इसको रखेंगे, हैं? Junction पहुँचाएंगे एक घंटे में। चलो। एकदम अभी तो सही चल रही गाड़ी। ही गेव अ फ्यू कॉइंस ही हैड इन हिज पॉकेट टू द बेगर। जब बाद में क्या आ जाए माय डियर, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाए तो हम द का प्रयोग करते हैं, यानी द फ्यू लगाते हैं। तो आपके सामने देखो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, ही गेव द फ्यू कॉइंस ही हैड इन हिज पॉकेट, वेरी गुड। 24 नंबर, द टीचर विल गिव द स्टूडेंट्स अ वर्बल टेस्ट। हिंदुस्तान की वादियों में टेस्ट दो ही प्रकार का होता है, या तो रिटन या ओरल। तो यहां पर वर्बल के प्लेस में माय डियर क्या होगा, ओरल टेस्ट होगा। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जो एकदम तैयारी की बुनियाद जिन पर टिकी होती है। पासिंग मार्क एक स्लैंग है, गुरुजी सही क्या है, सही होता है पास मार्क्स, पासिंग की जगह क्या कर दोगे पास, वेरी गुड। सुपर आंसर, बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल, हमने समझाया था, बस याद करो माय डियर, हमने क्या बताया था, याद करो, कुछ समझ में आया। हमने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में ऑल के बाद अदर या एल्स का प्रयोग नहीं करते। राधा इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। कितनी बहने हैं, दो, और फिर भी ओल्डर लगा दिए, गलत जवाब, यानी कि ओल्डर के प्लेस में एल्डर होगा,
राधा इज द एल्डर, परिवार की बात हो रही है ना, सिस्टर शब्द ये इंगित कर रहा है। ऑफ मुंबई कोलकाता एंड दिल्ली द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये जो द लेटेस्ट लिखा है ये अपने आप में गलत है, लेटेस्ट मतलब हालिया होता है, यहां पर लिखना चाहिए लास्ट, तीन की बात हो रही ना। नेक्स्ट, दिस वॉच इज सुपीरियर देन, तो आप सभी को पता है कि सुपीरियर के बाद देन नहीं टू आता है। मोहन इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, यहां पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल समझाने वाले हैं, यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों का तुलना किया जाए तो किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर कैसे बनाएंगे, मोर लगाएंगे फिर वाइज लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, और ये सेंटेंस राइट होगा, मोर वाइज लिखेंगे, कोई डिग्री नहीं क्योंकि दो व्यक्ति है ही नहीं। 30 नंबर में थोड़ा तेज आंसर करिए। हाँ, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ जोक माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि दिस के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है। ये दो तरीके से सही हो सकता है, या तो दिस की जगह दीज कर दो, अथवा हम काइंड का एस हटा दें तो भी सही हो जाएगा। बोलो, यस, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर, आपको बताया गया है कि प्रेफरेबल के साथ मोर या लेस कोई भी डिग्री नहीं लगाते हैं, ना तो वेरी लगाते हैं, रिमूव मोर। प्लीज ओपन योर बुक एट 20 पेज, दोनों कान खोलिए और सुनिए, जब भी पेज का जिक्र हो तो एट के बाद में पहले लिखा जाता है पेज, फिर संख्या, एट पेज 20, समझ में आया। बोथ द ब्रदर्स हैव नॉट पास्ट, यह सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि रूल कहता है कि बोथ के साथ में नॉट का प्रयोग गलत है। नीदर लिख दो, नीदर ब्रदर हैज पास्ट, तो सही हो जाएगा। बोथ डिड नॉट स्पीक, इसको सही करिए, गलत है सेंटेंस। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही क्या होगा, कैन यू कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में, इसका राइट करके क्या बनाओगे बता दें। इसका बनेगा माय डियर, बोलो जी, कोई है कोई धरती में? हाँ, धरती वीरों से खाली नहीं है, तो नीदर स्पोक बनेगा, जिसने नीदर स्पोक लिखा वो राइट है, पेज 20, ठीक है। हाँ, बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते, बहुत अच्छे। दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, इशू जो होता है वो कभी भी लास्ट नहीं, लेटेस्ट होता है। मैनी डेमोन्स्ट्रेटर्स ओवर अरेस्टेड फॉर शाउटिंग ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन, रूल सुनिए ध्यान से, मैनी के बाद तो प्लुरल नाउन, लेकिन मैनी एक के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटर का एस हटेगा और वर्ग के प्लेस में क्या होगा, वो आज होगा। द पोर्टर टोल्ड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट फ्यूअर देन 10 रुपीज, जब आप बंद ही एक रकम की बात की जाए, कोई संख्या क्लियर तो है नहीं, तो लेस देन बोलते हैं, लेस देन, वो 10 रुपए से कम नहीं लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब यूनिट के रूप में बोला जाए तो फ्यूअर नहीं आता है, लेस आता है। खुशवंत सिंघाज कमांड ओवर इंग्लिश इज द मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के साथ कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, द मोस्ट नहीं आएगा। इवन हिज नेक्स्ट रिलेशंस डिड नॉट कम टू हिज हेल्प इन हिज प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट मींस मुसीबत। इवन हिज नेक्स्ट, नेक्स्ट गलत लग रहा है मुझे, नेक्स्ट गलत होता है, रिलेशन कैसे, रिलेटिव कैसे होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, निकटतम, नियरेस्ट हो जाएगा। अनलाइक नॉलेज ऑफ शू लिटिल नॉलेज ऑफ शू मेकिंग प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू हिम, यहां पर प्यारे साथियों आ का यूज कर दो तो पॉजिटिव सेंस देगा, थोड़ा, अ लिटिल नॉलेज। देयर इज नो फीवर देन 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द जग, देयर इज नो फीवर, अंडरलाइन करिए, देन लगा हुआ है, फिर मिल्क की बात है तो फीवर तो नहीं आएगा, क्या लिख सकते हो, लेस लिख सकते, क्योंकि बात किसकी हो रही, मिल्क, अनकाउंटेबल। ही इज हैप्पी बिकॉज ही हैज द फ्यू केयर्स,
द फ्यू गलत है क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज आया नहीं, पॉजिटिव बात है तो आ फ्यू लिख दो। शी गेव द बैगर लिटिल फ्लोर शी हैड, शी हैड ये क्या है, क्या था उसके पास, फ्लोर आटा नाउन, यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो पक्की बात है कि द लगेगा, द प्लस सॉरी द प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पर माय डियर क्वेश्चन नंबर 45, आई एम लीविंग फॉर जम्मू बाय 4:30 o'clock ट्रेन, एक बेहतरीन रूल कान खोल के लिए, जब सुबह 4 बजे की गाड़ी से घर को लौट जाओगे एक समय तुम पहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो माय डियर यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना ट्रेन के पहले ओ क्लॉक कभी नहीं आते हैं, ठीक। गाड़ी में बजता कितना है, 4 बजे तक बजता है, ओ क्लॉक नहीं, 4 PM की गाड़ी कह दिया, शाम मतलब 4 का मतलब 4 वहाँ होता है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होता, राइट। एंड फादर डिम And land you to मतलब further होगा। What is the last news of today? News के लिए कभी भी last लिखा ही नहीं जाता है, latest लिखा जाता है। There are only few trophies left in the tin. Negative बात हो रही है, only few trophies. लेकिन बची हुई है तो संख्या तो positive में होगी, इसलिए a लगेगा, a few trophies. He is a miser man. इस sentence को दुनिया में कौन गलत बताएगा? हम बदल गया बंदित्यू लिखोगे तभी सही होगा। देखने में लगेगा कि ये एडवर्ब है लेकिन ध्यान रखना माइजर खुद नाउन है, एलवाइज नाउन में जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है और माइजरली हो जाएगा। अरे भाई बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। जितने भी प्यारे साथी माइजरली लिख रहे हैं एक बार स्माइल कर देंगे, और स्माइल मुझे दिखेगी नहीं, आप लंदन में बैठ करके क्लास कर रहे हो तो आप क्या भेजोगे, स्माइल ही भेजोगे, ठीक है, खोज लिया करो, उसमें सब दिया रहता है, चिक बाबा बने रहते हैं, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर 50 चले और फिर इसके साथ ही साथ में चीयर अप करें। राधा इज बोथ ब्यूटिफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, ये बड़ी बात है, अगर कोई सुंदर हो और बुद्धिमान दोनों चीजें मिल जाएं, समझना ईश्वर का बहुत बड़ा बात, क्योंकि दोनों चीजें रेयर साथ में पाई जाती हैं, मतलब 1 लाख में एक है ना। तो माय डियर बोथ के बाद में क्या लगता है, एंड लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शेक्सपियर कह गए हैं, ठीक है, जो मुझे कहने लगो, क्योंकि सुंदर लोग होते हैं उनको बुरा ही बहुत जल्दी लगता है। तो माय डियर राधा के बाद में बोथ आया, राधा इज बोथ, और बोथ के साथ एंड लगाते हैं। इति सिद्धम, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, एक बार चीयर अप करो तो फिर नए प्रकार का क्वेश्चन और लेवल 2 में चलूंगा। चलो थम्स अप करो एक बार सभी साथी, बताओ समझ में आ रहा है, किसी को कोई तकलीफ एनी प्रॉब्लम नहीं, हाँ बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश, 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए, 22 बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम चल रहा है, टाइम पास नहीं करना ना, पहले अपना टारगेट दिख रहा है ना, यस कम ऑन। तो ये लीजिए लेवल 2 का क्वेश्चन, थोड़ा टफ है, नाराज मत होना, मन से करना, समझ में आएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से करना। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट, अब इसमें टाइम ज्यादा दूंगा, आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s, पकड़ लोगे जल्दी से तो अच्छी बात है। माय डियर एज एज के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पीडी का यूज करते हैं, यानी कि एज के साथ में यहाँ बेटर नहीं पीडी हो जाएगा, गुड, ऑप्शन तो ये क्लियर हो गए। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, जैसे माय डियर यहां पर टू कीप है ऐसे यहां पर भी टू लूज हो जाएगा लूजिंग के प्लेस में, ऑप्शन सी।
पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप। बड़े ध्यान से देखा, पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप। यहां तुलना किसकी हो रही है? पीपल, लोगों की। तो बहुवचन है, तो देन के बाद में आप दोज ऑफ का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? दोज ऑफ, ऑप्शन सी। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब केवल एडजेक्टिव ना खोजना, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस भी हो सकती है, ठीक है, बीच बीच थोड़ा सा। माय डियर, यहाँ रियल सब्जेक्ट लिस्ट है और लिस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर वर्ब होगी, इसलिए वर्ब के प्लेस में वाज लगेगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट, वी कैन डिसाइड ओनली आफ्टर फादर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल गलत है, फादर नहीं आएगा, फर्दर होगा इन्वेस्टिगेशन। अग्रिम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। दियर नहीं होगा क्योंकि ईच ऑफ का प्रयोग हुआ है, और तो ऐसी सिचुएशन में सिमिलर हिज लगा दोगे। केवल ईच होता तो अलग बात है, यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है तो निश्चित तौर पर आप हिज लगाओगे। और ऑप्शन क्या बनेगा? नहीं नहीं ईच आई तो आप सिमिलर ही लिखते हो, राइट। I found the two first chapters of the book particularly interesting. प्यारे साथियों, first हमारा पहले आता है ordinal number और two बाद में आएगा, यानी कि option क्या बना? B. Of the two films in which he starred, I think the first is the best. कितनी फिल्में हैं साहब? दो, फिर भी superlative degree लगा दिए, लोग गलत हो गया। और my dear, यहाँ पर बेस्ट के प्लेस में बेटर लिखना है। समझ आया कि नहीं? रूल याद कर लो ना, नहीं याद तो ऑफ द टू आए तो द प्लस सी डी लगाते हैं, सी डी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री सी ऑफ। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। बहुत अच्छा रूल, सुनिए, ईदर के साथ में सिमिलर वर्ब आती है, ठीक है, तो बताओ आप वर लगाओगे कि वॉच। पक्की बात है कि यहाँ पर आप वर नहीं लगाएंगी, वॉज लगाएंगी, ऑप्शंस। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। सिटी कितनी है? ऑफ द टू लगा है, सिटी दो है, तो बिगेस्ट कहां से हो जाएगा? द बिगर होगा, द लगेगा। देखो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा ना? हाँ सी ऑप्शन बनेगा, इसमें आगे की कहानी इसमें हिडन हो गई है, छिप गई है, कोई बात नहीं। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन दियर वर्क प्रॉपरली। नीदर आ गया के साथ नॉर आ गया, हैज आ गया, दियर गलत है। जब भाई नीदर आता है ना तो सब कुछ सिंगलर हो जाता है, हिज आएगा, ऑप्शन सी। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही और अ सीट बेल्ट। बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में, राइट। नो सूनर है तो इन्वर्जन हो गया, फिर देन लगेगा, तो देन कहाँ लगेगा? बी के बाद लगेगा, सी में लगेगा, ठीक है, देन ही, ऑप्शन सी। कुछ लोग इसमें बी मारेंगे, कुछ सी मारेंगे, लेकिन ध्यान रखा करो यहाँ तक तो सब सही है, वो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, बाय रूल यही होता है। और हमारे कई प्यारे साथी सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब, वेल डन, सुपर। All the members in the council begin shouting at each other. All the members in the council. कितने member हैं? दो हैं कि ज्यादा हैं? दो हैं तो each other आता है, ज्यादा हैं तो फिर बोलो one another. यहाँ पर ऐसी संभावना है कि दो से ज्यादा member होंगे, option C. No sooner did the fisherman Abdul Sattar see the bus plung into the river that he immediately rowed his boat to the side and jumped in.
तो माय डियर यहाँ पर आप नो सूनर आया है तो इन्वर्जन करोगे, और जैसे ही दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे, और ऑप्शन खुद चेक करिए, बी ऑप्शन लगेगा। शी इज अ वेरी बिजी वुमन, इट इज व्हाई ही शी कम्स लास्ट टू द किटी पार्टी एंड गोज फर्स्टली। She is a very busy woman. सभी लोग रिप्लाई करेंगे, यहां देखना है। अरे वाह, आंसर आने शुरू हो गए। गोज फर्स्ट होगा, फर्स्ट हमारा एडवर्ब का काम भी करता है, फर्स्ट भी नहीं लिखेंगे, ऑप्शन सी। इन द लेटली अर्थक्वेक्स इन जापान मोर देन 20 पीपल लॉस्ट दियर लाइफ। बताइए, लेट मतलब होता है हाल ही में, कि लेटली होगा, सही लग रहा है। मोर देन 20 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स इन द लेट। अच्छा, लेटली मतलब हाल ही में, और लेट मतलब क्या हो जाएगा, लेटली का मतलब होता है रिसेंट। ये बताओ कि 17 में गलती क्या है, थोड़ा सा ये पकड़ो, जल्दी से बताओ, तेजी से रिप्लाई करिए कि आखिर इसमें गड़बड़ी क्या है। तेजी से बताएंगे सभी सर। एक लोग लिख रहे हैं कि लेटेस्ट होगा, अच्छा लेटली नहीं होगा। अभी कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ और बात लिख रहे हैं, सब लोग लिखिए अपना अपना जवाब भाई, या तो सही होगा या गलत होगा, उसमें कोई चिंता की बात थोड़ी है। बस इन द लास्ट, इन द लेट। देखो माय डियर, लेटली का मतलब होता है, ठीक है, हाल ही में, और लेटेस्ट माने होता है एकदम नवीनतम, और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। तो अब या पिछला जो अंतिम अभी हुआ है उसकी जगह आप लास्ट भी लिख सकते हो, इन द लास्ट अर्थक्वेक इन जापान मोर देन 20 पीपल लॉस्ट, पिछले, और लेटली कह रहे हो तो लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली, इस सेंस में तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, इन द लेटली अर्थक्वेक, पहली चीज तो दा की जरूरत नहीं है, लेटली भी कह सकते हो और लास्ट भी, लेकिन याद रखना यहां पर दो चीजें तो है नहीं कि हम लास्ट कहें, तो केवल दा को रिमूव कर दो, लेट नहीं आएगा, ऑप्शन तो ये सही है। फर्स्टली थिंग दैट आई डोंट लाइक इन यू इज योर बैड ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग देन च्यूइंग पान। तो यहां पर आप सभी को क्लियर है कि फर्स्टली नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा ऑप्शन ए। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फॉरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर इन मॉडर्न इंडिया हु फेवर्ड वुमन एजुकेशन फर्स्टली। यहाँ भी फर्स्टली नहीं आएगा, फर्स्ट ही होता है, एडवर्ब का काम भी फर्स्ट ही करता है। टुडे यू हैव मेड लेस मिस्टेक्स देन यू मेड यस्टरडे। यहाँ पर लेस नहीं होगा, क्या होगा बोलिए, गिन सकते हो ना, क्योंकि मिस्टेक्स बहुवचन बनाया गया है, प्लूरल नाउन है, तो फीवर होगा ऑप्शन। I knew many questions but attempted few questions then Ravi. I knew many questions but attempted, तो संख्या पॉजिटिव होगी तो आप ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। I want to go to Varanasi but there are little fuel in my car so firstly I have to get the tank full. फिर आ गया firstly, फर्स्ट होगा आपका, ऑप्शन क्या बन जाएगा।
पुअर नीड लेस देन द रिच बिकॉज दे लीड अ सिंपल लाइफ. द पुअर नीड लेस देन द रिच. अमीर गरीब लोगों को अमीर लोगों से कम जरूरत होती है. तो यहाँ पर लेस लिखना उचित नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल कुछ तो आ नहीं आ रहा. आप फीवर लिख दो तो ज्यादा सही, कम चीजों की जरूरत होती है. ऑप्शन आपका बनेगा ए. देयर आर 5 रेलवे स्टेशन बिटवीन इलाहाबाद एंड कानपुर. 2 फर्स्ट ऑफ इट आर वेरी स्मॉल. तो फर्स्ट पहले आएगा, 2 बाद में, यानी कि ऑप्शन सी, 2 फर्स्ट. वी हैव कवर्ड 3rd वन ऑफ द डिस्टेंस बट वी हैव टू कवर 40 किलोमीटर मोर. तो 3rd वन ये गलत है. आपको लिखना क्या है, 1/3. ऐसी सिचुएशन में आपको लिखना चाहिए 1/3. 1/3 ऑप्शन लगेगा बी. माय ऑल फ्रेंड्स आर सेटल्ड वेल ओनली आई लेफ्ट टू सेटल. ऑल पहले आता है और पजेसिव माय बाद में. ऑल माय ऑप्शन ए. द ऑल स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड गुड मार्क्स इन फिजिक्स बट ओनली फ्यू गॉट गुड मार्क्स. ऑल के बाद द आता है, पहले कभी नहीं. ऑल द स्टूडेंट्स ऑप्शन ए. तेजी से आंसर करें. आई बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट एंड वेंट टू किचन फॉर टी. मीन वाइल माई 2 ईयर्स बेबी केम एंड थ्रू दैट ऑल हियर एंड देयर. पकड़िए गलती. आई बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट एंड वेंट टू किचन 40. Meanwhile, my 2 years baby, यानी 2 साल का बच्चा, came and threw that. That किसके लिए आता है? गलत. या तो आप those लगाओ या them लगाओ, है ना? क्योंकि चीजें ज्यादा है ना, लिखा हुआ है many things, तो through them all. यहाँ पर sorry all आया, them नहीं आएगा. Those लगेगा बहुवचन के लिए. Those all here and there. ऑप्शन क्या बनेगा जी? इन अ रेस दैट हैड इन स्कूल विंटर गेम सूरज वाज वेरी फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉयज. सीडी के पहले कभी भी वेरी का प्रयोग नहीं करते, मच लगा सकते हो. ऑप्शन बी. द स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन बिकॉज मच स्टडी मटीरियल materials have been provided for practice. much नहीं होगा क्योंकि materials बहुवचन है, यहाँ पर countable है, तो many होगा. study materials, material देख के confused नहीं होना. much facilities provided by the central government are misused either by state government or by bureaucracy. much facilities provided by the central government. यहाँ फैसिलिटीज कैसा है, प्लूरल नाउन है तो मच नहीं आएगा. क्या आएगा? मैनी आएगा. मच क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट एंड रेट्स इन द रूरल एरियाज. मच यहां भी गलत है. होना क्या चाहिए? मोस्ट. मोस्ट ऑफ क्रॉप, अधिकांश फसल. ऑप्शन है. The violence against women is a more major problem before the government. Major के पहले कोई more और नहीं आता है. Rule पढ़ाए हैं, लिखाए हैं. Option B. This is more ulterior. Ulterior के पहले भी more और कुछ भी नहीं आएगा, ना more ना very. Before the government to open the secret of 1948. His problem is inferior than his brother, so he decided to solve it. इंफीरियर के साथ 2 लगाते हैं. ऑप्शन बी. रतन केम प्रायर टू मी बट वाज टू गो अर्लियर देन मी. रतन केम प्रायर टू मी बट वांटेड टू गो अर्लियर देन आई हो जाएगा. प्रायर के साथ 2 आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस सही है, लेकिन यहां नहीं, देन के बाद सब्जेक्टिव केस होगा. 2 प्रेपोजिशन. Meera is more perfect in Hindi than in English, so she decided to join a coaching class for Hindi. याद रखना, perfect के पहले more or नहीं लगाते हैं. ऑप्शन
रामलाल इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द टाउन बट सेल्डम टेस्टेड बटर। यहां पर मोस्ट नहीं आएगा, रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ऑप्शन। रामू इज फैटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स। रामू इज फैटर, कितने भाई हैं? दो हैं, तो द फैटर हो जाएगा। सी डी के पहले द लगेगा यदि ऑफ द टू आता है। ही वॉज वेरी बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी वेरी नहीं आते, द बेस्ट ऑप्शन। रेड हैंडेड स्टील। इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी कंट्री, तेजी से जवाब करिए, ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी, एनी के साथ क्या लगेगा? अदर। मिस्टर रॉय इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट मेंबर ऑफ द कोचिंग स्टाफ। ये मोस्ट इंडस्ट्रियस जो है ना, ये चला जाएगा एंड के पीछे और नोबलेस्ट पहले आ जाएगा। द टेलीविजन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल देन यूजफुल, पकड़िए जल्दी से। यहां पर माय डियर मोर हार्मफुल लगेगा, ऑप्शन बी। देन के पहले सीडी का यूज करते हैं। मिस्टर अमरनाथ इज द मोस्ट एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। एबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो डबलिंग नॉट अलाउड, मोस्ट नहीं आएगा, ऑप्शन बी। लेस बुक्स आर नीडेड फॉर द लाइब्रेरी, जल्दी बोलिए। बुक्स के पहले क्या आएगा? फीवर, प्लूरल नाउन, ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। इंदिरा गांधी कैसी थी? फॉरमोस्ट, आ चुका क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन। नेपोलियन वॉज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। एनी के साथ क्या लगेगा? एनी अदर। नो अदर मैन ऑफ द टाउन इज मोर वाइजर देन मिस्टर सेठी। आप सबको पता है माय डियर कि मोर नहीं आएगा, क्योंकि वाइजर ऑलरेडी सी डी। ही गेव अ फ्यू कॉइंस ही हैड इन हिज पॉकेट टू द बेगर, बताइए तेजी से। ऑप्शन ए द फ्यू होगा। दीज डेज पीपल प्रिफर कॉफी टू टी, आप सबको याद है माय डियर, प्रिफर के साथ में टू लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को कंप्लीट किया। आप सभी प्यारे साथियों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी जानकारी उससे रिलेटेड चाहिए तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। टारगेट टेस्ट सीरीज आ रही है, जिसका टारगेट टीजीटी और पीजीटी है, और इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, एवरी टॉपिक, टॉपिक वाइज सबसे पहले। ऑनलाइन टेस्ट के साथ ही साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट का। यूनिट टेस्ट भी आपको मिलेंगे सारे यूनिट्स के। साथ ही साथ में माय डियर आपको मिलने जा रहा है फुल टेस्ट, जिसे मॉक टेस्ट कहते हैं। ये मॉक टेस्ट की संख्या मिनिमम 25 होगी टीजीटी में, प्लस कुछ भी ज्यादा हो सकता है, और पीजीटी में भी मिनिमम, यानी आप दोनों की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको 50 फुल टेस्ट मिलेंगे, और इसके अलावा कम से कम 50 सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। 50 मिनिमम होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, और जितने ये मॉक टेस्ट होंगे इनका विद आंसर विद ओएमआर आपके घर में हार्ड कॉपी जाएगा। तो बहुत जल्दी आपके सामने ये आने वाला है। लिटरेचर का भी और लैंग्वेज का तो ऑलरेडी 6000 क्वेश्चन है आपके पास में, कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है? तो बस फिर पढ़ते रहिए, आज इतना ही, क्योंकि आज आपको देना है एक टेस्ट, और टेस्ट अभी आपके कंटेंट में ऐड कर दिया जाएगा। सो फटाफट टेस्ट लगाइए और मुस्कुराइए। सो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।